नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 12 से लेकर 18 तक के अर्थ को सुनेंगे। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमहु प्रतापवान। कौरों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। ततः शंखाश्च भैरयश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्द तुमलो भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका बड़ा ही भयंकर गर्जन हुआ। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दधमहु पृथक पृथक। हे पृथ्वीपते, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र अर्थात अभिमन्यु सबने अलग अलग शंख बजाए।